आज एक और दिन, आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम लोग आए हैं बीच पर, क्योंकि कल रात को आए थे तो व्यू हमें अच्छा नहीं दिख रहा था, और व्यू बहुत बढ़िया है। अपना हाथ दो। सो हमने बोट वगैरह हायर करी है, 300 रुपये कपल, मतलब 150 रुपये पर पर्सन। अब जा रहे हैं बोट के पास। सो बोट में बैठ चुके हैं हम दोनों, काफी फासला है हम दोनों में। ये आधे घंटे की बोटिंग करी हमने। कोई ना, मुझे नहीं कूदना समुंदर में। भाई साहब फुल खुश हैं। काफी स्पीड में चला रहा है बंदा बोट। सो बीच घूमने के बाद हम जा रहे हैं, अब थोड़ी शॉपिंग वगैरह करेंगे, काजू वगैरह खरीदेंगे घर के लिए। सो शॉपिंग वगैरह करने के बाद काजू वगैरह खरीदे हैं, बीच पे भी पूरा चिल मारा। यहाँ से हमने काजू वगैरह बाय करा है, गोवा के फेमस काजू। अब जा रहे हैं, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, फिर शाम को जाएंगे घूमने दूसरे बीच पर। चलो फिर, बाय बाय। सो होटल आ चुके हैं, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे 1-2 घंटे, फिर देखते हैं लंच करने जाएंगे। सो रेस्ट करने के बाद हो चुके हैं रेडी, अब जाएंगे लंच करने, काफ़ी भूख लग रही है, 3 बज चुके हैं। चलो फिर चलते हैं। आ जाए एक न्यू जगह पर ट्राई करने लंच, इंडियन हार्ट नाम है। सो आज एक न्यू जगह पर आए हैं लंच करने, रेस्टोरेंट का नाम है इंडियन हांडी, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। सो फाइनली चिकन थाली हमारी आ चुकी है। ठीक ठाक था लंच, ज़्यादा खास नहीं था, मज़ा नहीं आया। अब जाके थोड़ा सोएंगे, फिर दोबारा निकलेंगे शाम को घूमने के लिए कहीं। मतलब यार कुछ भी कह लो, गोवा में जो स्कूटी में घूमने का मजा है ना भाई साहब, वो किसी चीज़ में नहीं है। मतलब व्यू यार फाड़ फाड़, मतलब एंड लेवल गलबात। सो गुड इवनिंग दोस्तों, अब जा रहे हैं डोमिनोज, वहाँ जाके कुछ खाएंगे। सो फाइनली वी आर इन डोमिनोज, अब यहाँ कुछ हल्का फुल्का खाएंगे क्योंकि उसके बाद हमें डिनर भी करना है। सो डोमिनोज खाने के बाद आए हम डिनर करने। सो दोस्तों हमें किसी ने सजेस्ट करा था कि कैलनगुड रोड पे खाना खाना, बहुत ही ज़बरदस्त खाना है ये, देखिए रॉयल पंजाब रेस्टोरेंट, फाड़ खाना भाई साहब।